भी एकदम खैरियत से ही, ही मजे में ही अल्लाह एहसान से और आप सब की दुआओं की वजह से तो फ्रेंड्स आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करी डिनर के टाइम से और चुटकी में हमारा जो है नेक्स्ट डे भी होगा था तो यहाँ मैं तुम सबको मेरी ब्यूटीफुल जो अमेजिंग मेहंदी है वो डिजाइन दिखा रही हूँ उसके साथ साथ स्टेन भी देख लियो तुम्हें बहुत अच्छा है माशा तो फ्रेंड्स आज जो है मेरा ऑफ था लाइक uh, like, मैं टू डेज ऑफ लेकर थी एंगेजमेंट का दिन और जो है नेक्स्ट दिन और टू डेज ऑफ लेकर थी तो यहाँ मैं मैं सोची कि uh, एक अच्छा सा नेकलेस ऑर्डर करेंगे तो यहाँ अम्मी को दिखा को अम्मी को ये पसंद आया था तो नेकलेस ऑर्डर करें हमें अमेजोन से ऑर्डर करें तो मैं सोची कि कैसा आता है लाइक क्वालिटी वाइज मैं वो सोचने को थी कैसा आता है लेकिन ये बहुत अच्छा था क्वालिटी भी अच्छा था डिज़ाइन जो मैं देखी थी अमेजोन में बिल्कुल वैसा ही था ये बहुत प्रटी था Uh, इसका जो कुंदन के जो ईयरिंग्स ही ये तो और भी ज़्यादा प्रिटी थे ये जब मैं पहनी तो इट वॉज लाइक like, uh, बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मैं सोच मैं तुमना सोच कहूँ कि मैं जो कुछ भी रेडी होती हूँ जो कुछ भी मैं मेरा आउटफिट है जो कुछ भी मैं ये वेयर करती हूँ मैं तुमना सबको अच्छे से शेयर करूँ बट नॉट फेस ओके तो uh, ये मुस्कान का जो है वाइट स्टोन में मुस्कान का आ गया था तो हमें ये प्रॉपर जो है गले का व्हाइट स्टोन में हमें मुस्कान को ऑर्डर करे थे मेरा जो है कुंदन टाइप में था और यहाँ मैं ना सबको सोचने को, सोच को थी कि तुम सबको हर चीज जो है मैं जब मेकअप है वो सब कुछ तुम्हारे सबके साथ शेयर करूँ लेकिन यहाँ हाफ एन आवर हाफ एन आवर को जो है पावर कट होले को था तो ये मेरा आउटफिट भी देख लियो साथ में तुम्हें पावर कट की स्टोरी के साथ साथ ये मेरा आउटफिट में था लाइट ग्रीन कलर में मेरा लहंगा था लहंगे में लहंगा था और ये जो ब्लाउज है सिंपल ब्लाउज है लहंगे में थोड़ा वो चमकी आते ना उसका जो है वर्क था फुल आउटफिट तो इसके बाद हमें अच्छे से मेकअप सब कुछ करने के बाद जो है फिर से पावर कट होगा ये हाफ एन आवर में पावर कट होने को था फाइनली जब हमें अच्छे से मेकअप कर अच्छे से सब भी तैयार हो गए थे उसके बाद में फिर से जो है लॉक करने के टाइम पर फिर से जो है पावर कट होगा था तो हमें सोचे कि चलो अब पावर कट हुआ तो लाइक प्रॉब्लम नहीं अब हमें ऑलरेडी जो है तैयार सब हो को हमें निकलने के टाइम होगा था फिर से आ गया था तो उसके बाद हमें यहाँ फाइनली रीच हो गए थे तो अराउंड सेवन थर्टी था हमें यहाँ आगे थे तो फर्स्ट एंट्री जो है ब्राइट से ग्रूम से सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री थी यहाँ तो यहाँ कोई भी नहीं आक था हमें आखो थे हमारी फर्स्ट एंट्री थी तो फ्रेंड्स जो मेरा नेकलेस है ना मैं सोच को थी ऑर्डर कर को भी होगा था डेज जो डिलीवरी डेट था सेम जो मेरी कजिन की एंगेजमेंट थी सेम डे दिखाया था लेकिन तब को भी नहीं आगे था मुझे मैं, मैं टेंशन लगी थी कि आता है या नहीं आता अगर मैं इमेजिन ऑलरेडी कर ली थी ड्रेस के ऊपर जो नेकलेस है बहुत अच्छा जाता है तो वो सोच को मैं इमेजिन भी कर ली थी लेकिन मैं वेट कर ले को थी नेकलेस आया नहीं था मुझे टेंशन होगी थी कैसा नेकलेस ऑर्डर कर को फिर भी नहीं आया बट फाइनली नेकलेस आ गया मैं उसे वेयर भी कर लिया मैं तुमने सबको उसका लुक भी दिखाती हूँ और अभी यहाँ एंट्री हमारी जो हॉल है हॉल में एंट्री भी होगी थी लुक इट द ब्यूटिफुल डेकोर उसके बाद ये बहुत प्रिटी दिख रहा है डेकोर भी प्रिटी दिख रहा है उसके बाद जो है हमें मेरा ये फुल आउटफिट देखो तुम्हें यहाँ मुस्कान जो है मेरा वीडियो ले लेने को थी मैं सोची कि तुम्हारे सबके साथ मेरा जो फुल तुमने मैं ऑलरेडी बोल को हूँ मेरा फुल आउटफिट जो है तैयार होने के बाद तुमने सबको दिखा दी तो मैं यहाँ मेरा दिखा रही हूँ और हमें जब एंट्री करे तब वेलकम ड्रिंक हमें लेना भूल गए थे मेरा जो वीडियो है वो बनाते बनाते हमें ऐसे ही जो है एंट्री कर डाले थे और हमें वेलकम ड्रिंक भी नहीं लिए थे तो इधर हमें सोची कि वेलकम ड्रिंक हमें बाद में ले लेंगे जब पूरे आ जाते हैं तो हमें बाद करने में उन सब से मिलने में बिजी हो जाती हैं तो उस, उससे सोचे कि हमें पहले ही जो है टेस्ट कर लेंगे उसके साथ साथ वेलकम ड्रिंक के साथ साथ मैं इधर मुस्कान का जो है आउटफिट भी दिखा रही हूँ मुस्कान का आउटफिट और मेरा आउटफिट जो है सिमिलर था लेकिन डिजाइन लाइक नॉट डिजाइन कलर अलग था मेरा जो है ग्रीन लाइट ग्रीन था और उसका स्काई ब्लू में था तो यहाँ मेरा फुल आउटफिट देखो तुम्हें ड्रिंक में था ग्रेप जूस और हमें यहाँ वेट कर ले को थे और फाइनली लड़की की एंट्री हो गई थी एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी हर लड़की के वास्ते ये जो मूवमेंट रहता है बहुत ज्यादा स्पेशल रहता है जो न्यू बिगनिंग है जो न्यू जर्नी है अल्लाह उसमें कामयाबी देना लड़का और लड़की को अल्लाह जो है उनके जोड़े को सलामत रखना और उनके जोड़े को अल्लाह नज़र से बचाना और ये था हमारे मामा उनकी तरफ से मैं तुमने सबको बोलने भूल गई कि एंगेजमेंट किसकी है हमारे जो बड़े मामा ही उनकी बेटी की एंगेजमेंट है और हमारे बड़े मामा और मामी बिल्कुल भी नहीं दिखे कि उन्हें सास ससुर बनने वाले ही एंड माशाल्लाह उन्हें भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे और ये हमें लड़के को वेट कर लेको ही वेलकम करने के वास्ते वेलकम कर रही हमें सिल्वर रिंग के साथ साथ और यहाँ फाइनली लड़के की एंट्री भी होगी थी यहाँ रॉपर इंडियन मुस्लिम फैमिली की एंगेजमेंट कुछ ऐसी रहती है तो ये मेरा जो व्लॉग है एंगेजमेंट व्लॉग पार्ट वन है पार्ट टू मैं बहुत जल्दी डालती हूँ तो यहां जो है हमें वेलकम करी लड़के की विथ सिल्वर रिंग एंड केक कटिंग तो ये मेरा व्लॉग तुम्हें सभी देखो एंजॉय करो मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर कोई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फॉर द नेक्स्ट पार्ट टू और आज का मैं वीडियो यहाँ एंड करने लगी हूँ इनशाला नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक खुश रहो और अपने दुआओं में याद रखो हमें भी तुम्हारा सबको दुआओं में याद रखती आज का मैं वीडियो है एंड कर रही हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए चलो हाफिज